अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, जितने मेरे भाई और बहनें। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ जो जो मेरे साथ चल रहे हैं लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, और जो नहीं बना पा रहे तो उन्हें उनसे ये सिर्फ गुजारिश करता हूँ कि साथ आए, साथ मिलके काम करें और अच्छा प्रॉफिट बनाएं। अच्छा, आज मैं आपको जो मैंने अपना इंडिकेटर दिया है, जिस भाई को दे दिया है इंडिकेटर की, मैं आपको थोड़ी सेटिंग्स बता दूं। देखें, इंडिकेटर हमें रोज के लेवल्स देता है। ये इसने दे दिया H3 का, H3 शॉर्ट का। अब यहाँ पे जब मार्केट आके एक सेल की रिजेक्शन की कैंडल बनाती है, देन फिर हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। अदरवाइज जब, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से बाई जा रही है, मार्केट ये सेल कैंडल नहीं बनाती, इसके ऊपर अगली कैंडल बाई की बना देती है, तो हम यहाँ से सेल नहीं लेंगे अंटिल अनलेस इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी, सेल की बनाएगी, उसके बाद हम सेल लेंगे। ऐसे हम सेल नहीं लेंगे, और उसके बाद हम सेल लेंगे। हमारे पास टारगेट्स कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास ये पिवट टारगेट आता है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये लॉन्ग का टारगेट आता है। यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से हम बाइंग ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इस लेवल पे कैंडल ब्रेक कर देती है, जैसे कि देखें प्रीवियस क्या हुआ, प्रीवियस मार्केट आई, यहाँ से सेलिंग दी, यहाँ पे हमने बाई नहीं ली ना, तो हम बच गए। देख सकते हैं हम यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया, HL4 शॉर्ट ब्रेकआउट, ये वाला शॉर्ट ब्रेकआउट है। यहाँ से जो ब्रेकआउट होता है, इसकी ज्यादा बड़ी सेल नहीं होती, मैक्सिमम 40-50 पिप की सेल होती है। लेकिन अगर इसके अंदर कैंडल नीचे दो तीन कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर आपकी बड़ी सेलिंग आ सकती है, और फिर आपका टारगेट होता है L5SB टारगेट। इसी तरीके से बाइंग का यही सिनेरियो है। मैं भी आपको पहले सेलिंग का दिखा दूं, फिर आपको बाइंग का दिखाता हूँ। सेलिंग का हमारे पास, अच्छा यहाँ से आप सेल कर सकते हैं गोल्ड को, ये गोल्ड की सेल की ट्रेड है, ये मिस हो गया मुझसे आपको बताना। ये यहाँ पे जब ये डॉजी बनी, जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया, डॉजी अगर ऐसे लेवल से बने, और ये बहुत अच्छा लेवल है, मैं आपको लेवल दिखाता हूँ किस तरीके से मैं अच्छा लेवल बोल रहा हूँ इसको, ये देख सकते हैं आप। सही है, ये रिजेक्शंस हैं इस लेवल पे, तो इस लेवल से हम सेल ले सकते हैं। जिस जिसने सेल ली भी है तो सही है, वरना बाकी लोग भी सेल ले सकते हैं। 84 के ब्रेकआउट के बाद और ज़्यादा सेल ले सकते हैं, 82 के ब्रेकआउट के बाद भी आप सेल ले सकते हैं। सही है, 5:30 बजे न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की, उससे पहले अगर आप पॉजिटिव में निकल जाएं तो बहुत अच्छा है, वरना उस पर भी आप देख के ट्रेड में आपको बता दूँ किस तरीके से करना है। अच्छा, तो इसका SB टारगेट होता है, इसका ये टारगेट है 70 का टारगेट, जो इसकी H3 शॉर्ट है, इसका टारगेट ये है अगर ये वन साइड मूव देता है तो। सही है, अब यहाँ से देखें, जैसे कि इसका H4 लॉन्ग ब्रेकआउट। सही है, मैं गोल्ड में बाइंग में बैठूंगा तो H4 लॉन्ग ब्रेकआउट जो इसका आ रहा है, जो कि 97 का एरिया बनता भी है, इस एरिया के बाद मैं बाइंग में बैठूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ से जब जब मार्केट आएगी मैं यहाँ पे सेल करूंगा इस एरिया में। सही है, उसके बाद देखें ये इसके नीचे लाइन क्लोज हुई। सही है, कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ये वाली कैंडल, तो हमने यहाँ से हमने किसी भी एरिया से सेल ले ली है। सेल लेने के बाद हम, हमारा टारगेट था 82 तक का, 82 का हमने टारगेट लिया, 82-81 तक का। यहाँ पे हमने सभी 100 पे अपने पूरे करे, उसके बाद हमने यहाँ से बाइंग देखी, यहाँ पे बाइंग की कैंडल एक दो बन रही थी, यहाँ से हम बाइंग में बैठ गए क्लोजिंग पे देख के, और यहाँ पे हमने 70-80 पे उठा लिए। सही है, इसके बाद फिर यहाँ से हम दोबारा सेल में बैठे, तो सेल में भी हमने अच्छा 100-100 पिप करके भी हमने सेल में भी दोबारा 100 पिप उठा लिया। उसके बाद फिर यहाँ से जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई, तो उसके बाद हमने यहाँ से इस एरिया से भी हमने, क्योंकि एक अच्छी बाइंग की कैंडल थी, हैमर होती है ये, लेवल पे ही बनी थी, तो यहाँ से हमने बाइंग ले ली। लेकिन हम प्रीवियस लेवल भी देख रहे थे। सही है, ये सारे अपने प्रीवियस लेवल्स लगा लिया करें। देखें ये प्रीवियस, ये जो आ रहा था 88 का लेवल, 88 से यहाँ पे रिजेक्ट हुई, यहाँ से हम दोबारा, यहाँ से हम अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते थे, क्लोज करने के बाद एक सेल ले सकते थे, या फिर क्लोज करके सिर्फ बैठ सकते थे, क्योंकि एक टाइम था सुबह का टाइम। यहाँ से फिर मार्केट ने आपको सेलिंग दी है, उसके बाद फिर मार्केट ने भी बाइंग दी है। बाइंग का जो सिनेरियो है, बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे आकर थोड़ा क्रिटिकल आता है। सही है, यहाँ पे मुझे जो मार्केट की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि देखें मार्केट जब जा रही थी, मार्केट का एक लो था, सही है, एक हायर हाई था, फिर एक लो था, फिर एक हायर हाई था। मार्केट ने अपना ये वाला लो ब्रेक करा पहले, उसके बाद एक नया हाई नहीं क्रिएट करा, फिर दोबारा अपना एक और लो ब्रेक करा, फिर दोबारा एक नया हाई क्रिएट नहीं करा। सही है, फिर दोबारा एक लो ब्रेक करा। सही है, ये देखें, ये लो ब्रेक करने के बाद ये हाई था, सही है मार्केट का, उसके बाद फिर मार्केट ने एक लो दिया,
फिर जो मार्केट ने हाई बनाया उसको प्रॉपर विक्स से अगर हम देखें तो विक्स से उसने तो हाई ब्रेक नहीं किया, तकरीबन कुछ सेंट से रही है मार्केट, लेकिन प्रॉपर इस लेवल से दोबारा मार्केट ने हमें प्रोजेक्शन दिखा दी है, एक एक लो दूसरा लो तीन लो दिखा के मार्केट ने हमें सेलिंग की तो प्रोजेक्शन दिखा दी है। आपको मैं 3-4 दिन से बोल रहा हूँ मार्केट सेलिंग में आएगी इस एरिया से, सही मार्केट ने सेलिंग की प्रोजेक्शन दिखा दी। अब हमें एक बड़ी सेलिंग का वेट करना है, बड़ी सेलिंग हमें मिलती है जो जो भाई बड़ी सेलिंग में अच्छा प्रॉफिट बना लेगा वो इंशाल्लाह दुआएं देगा मुझे। और बाइंग का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, बाइंग का सिनेरियो 98-97 के बाद मैं पर्सनली बैठूंगा 1800 के बाद बाइंग में, वैसे मैं सेलिंग में ही रहूंगा, सही है। तो जिस भी भाई को ये इंडिकेटर चाहिए हो मेरा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका भाई 2400 घंटे आप लोग के लिए अवेलेबल है, सही है। कॉन्टैक्ट टाइमिंग आपका होगा रात 8 से रात 10 बजे के टाइम पे। आजकल आज कल तो सिग्नल्स नहीं आ रहे थे मेरे पास, कल पूरे दिन सिग्नल नहीं आया मेरे पास, हालांकि कुछ इलाकों में आ गए थे सिग्नल, आज भी मेरे पास अभी तक सिग्नल नहीं आया। मुझे लग रहा है कि आज भी 12 बजे तक तो मेरे पास सिग्नल नहीं आएंगे, तो कल आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें, सही है। रात 8 से रात 10 बजे तक चलें, दो दिन हमारी बात नहीं हुई तो रात 8 से रात 11 बजे तक आप कॉन्टैक्ट करें, सही है। जिसका जो भी सवाल होगा वीडियो के हवाले से, वो इंडिकेटर के हवाले से, ईए के हवाले से, किसी भी हवाले से, या टेक्निकली किसी को कुछ समझना होगा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।